हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3, जो कि रिलेटेड है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। इस यूनिट का पार्ट ए ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड हम पढ़ रहे हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में भी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर जो आपने ये वीडियोस ना देखी हो तो इन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस गलत ना करें। रिसर्च इन एजुकेशन विच इज रिलेटेड टू यूनिट 6, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड इंक्लूसिव एजुकेशन यूनिट 10 विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर जो आपने ये वीडियोस ना देखी हो तो इन वीडियोस को देखिए, इनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप डायरेक्ट सीक्वेंस से सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर जो आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो ये जो आपका यूनिट्स हैं सारी, ये सिर्फ और सिर्फ नेट पेपर में ही, नेट के लिए ही नहीं, बल्कि आपके वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, PGT का एग्जाम हो गया, है ना, GIC का एग्जाम हो गया, GDC का एग्जाम हो गया, किसी भी स्टेट से रिलेटेड जहाँ पे भी एजुकेशन का पेपर होता है, तो उन सब के लिए ये सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन वीडियोस को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो भी अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। तो जानते हैं थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। तो बेसिकली थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि जो थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है फैक्टर थियोरीज एंड दूसरी कैटेगरी है आपकी प्रोसेस ओरिएंटेड थियोरीज। तो अब ये फैक्टर थियोरीज क्या होती है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो फैक्टर थियोरीज क्या है। तो फैक्टर थियोरीज के अंदर ये बताया गया है कि जो आपके इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी बुद्धि है, जो बुद्धि की संरचना है या बुद्धि का जो संगठन है वो कारक पे बेस्ड होता है ना, कारक पे आधारित होता है। तो अब कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया कि ये जो बुद्धि का कारक है वो वन का, मतलब वन फैक्टर है या एक कारक है। किसी ने बताया कि एक कारक नहीं है, दो, बुद्धि क्या है, दो कारक है, यानी कि बुद्धि के अंदर दो कारक पाए जाते हैं। किसी ने कहा कि मल्टीपल फैक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। तो फैक्टर थ्योरीज क्या है, फैक्टर थ्योरीज में ये बताया गया कि जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। तो उनको कहा गया फैक्टर थ्योरीज, यानी जिन साइकोलॉजिस्ट ने फैक्टर्स को इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट में बताया वो सारे के सारे फैक्टर थ्योरीज के अंदर आ गए। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। तो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज क्या है कि, यानी इसमें यह बताया गया कि जो आपकी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस में ये प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में यह बताया गया कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो फैक्टर्स पे बेस्ड नहीं होती है। प्रोसेस में यह बताया गया कि एक इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करता है, जो कॉग्निशन है, बेसिकली प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में कॉग्निशन की बात की गई है ना। अब कॉग्निशन क्या है, ये ऑलरेडी जब मैंने आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ाई थी जीन प्याजे की, उसमें बहुत अच्छे से बताया था। तो अगर जो आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ना पढ़ी हो तो उस थ्योरी को जरूर पढ़िए, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में बेसिकली आपके कॉग्निशन की बात की गई, दूसरा कॉग्निशन डेवलपमेंट की बात की गई, कॉग्निशन डेवलपमेंट की बात आपकी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज के अंदर की गई। अब इसमें यह बताया गया कि एक इंडिविजुअल का जो कॉग्निशन है ना, जो संज्ञान है वो कैसे काम करता है, यानी कि अगर जो सपोज आप किसी, आपको एक प्रॉब्लम दी गई तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वो क्या है, मतलब
प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका जो कॉग्निशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से चल रहा है, आपका संज्ञान, आपका मस्तिष्क किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ये किसमें बताया गया? प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में बताया गया। और ये बताया गया कि एक इंडिविजुअल का जो एक इंडिविजुअल की जो इंटेलिजेंस है वो कैसे डेवलप होती है, इंडिविजुअल का जो कॉग्निशन है वो किस तरीके से डेवलप होता है। तो जिन साइकोलॉजिस्ट ने कॉग्निशन एंड कॉग्निशन डेवलपमेंट की बात की, ये बताया कि एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करता है, उसका कॉग्निशन कैसे फंक्शन करता है, वो सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज के अंदर आए। इज दैट क्लियर? अब हम ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरी फैक्टर थ्योरी के अंदर आएगी या कौन सी थ्योरी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी के अंदर आएगी। और ये भी पूछा जाता है कि सिंपल सा नाम पूछ लेते हैं कि टू फैक्टर थ्योरी, वन फैक्टर थ्योरी, ये किसने दी है, या मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट किसने दिया है। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको हर एक डायमेंशंस पता होनी चाहिए, हर एक एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो फैक्टर थ्योरीज में सबसे पहले बात आती है वन फैक्टर थ्योरी की, वन फैक्टर थ्योरी। अब जो आपकी वन फैक्टर थ्योरी है, वन फैक्टर थ्योरी दी थी बिने ने, है ना, गिवन बाय बिने। अब पहले क्या थी वन फैक्टर थ्योरी, बिने ने बताया कि बुद्धि में सिर्फ एक कारक पाया जाता है। देन आपकी आई टू फैक्टर थ्योरी, तो अब टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है, स्पीयरमैन ने दी है, स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी है। वन फैक्टर थ्योरी किसकी है, बिने की है। देन हम बात करते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी, अब ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसकी है, थर्स्टन की, है ना। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसकी है, थर्स्टन की है। ये सिंपल सा आपके एग्जाम में मैचिंग में भी आ जाता है, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रही हूं कि आपको हर एक थ्योरी के प्रोपाउंडर भी पता चल जाए। तो वन फैक्टर थ्योरी बिने ने दी है, टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने दी है। देन आपका मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी आपकी थॉर्नडाइक ने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। ये जो आपका मल्टी फैक्टर थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आपके पीजीटी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पीजीटी का एग्जाम जो 2021 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था, ठीक है। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी किसकी है, थॉर्नडाइक की है। देन है आपकी कैटल एंड हॉर्न थ्योरी, कैटल एंड हॉर्न थ्योरी ने क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात की है, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस या क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस की बात किसने की है, कैटल एंड हॉर्न, इन दोनों ने मिलकर दी है, ठीक है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस की बात कैटल एंड हॉर्न ने दी है, तो इनके नाम पे ही पड़ जाती है थ्योरी, कैटल एंड हॉर्न थ्योरी, ठीक है। देन आपकी हायरार्किकल थ्योरीज, तो जो आपकी हायरार्किकल थ्योरीज में आपके गैग्ने आ जाएंगे, ठीक है। गैग्ने की थ्योरी ऑफ हायरार्किकल है ना, तो इसमें क्या, इसमें हायरार्किकल थ्योरीज में कौन आ जाएंगे, आपके गैग्ने आ जाएंगे। देन आपकी गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है, गार्डनर ने दी है, ठीक है। तो ये जो कुछ थ्योरीज हैं ये इंपॉर्टेंट तो है आपके लिए, और ये थ्योरीज फैक्टर थ्योरीज के अंदर आती है, ठीक है। तो वन फैक्टर थ्योरी किसने दी है, बिने ने दी है, टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने, मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है, देन कैटल एंड हॉर्न थ्योरी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस की बात कैटल एंड हॉर्न ने की है, हायरार्किकल थ्योरी के अंदर आपके गैग्ने आ जाएंगे, और आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है, गार्डनर ने दी है, ठीक। तो ये सारी थ्योरीज हैं, ये फैक्टर थ्योरीज के अंदर आती हैं। आगे आने वाली वीडियोस में एक एक थ्योरीज, एक वीडियो में दो दो थ्योरीज को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन के फॉर्म में समझ लीजिए और कौन सी थ्योरी किसने दी है ये समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज की। तो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में आपके गिलफोर्ड आ जाते हैं। तो गिलफोर्ड की थ्योरी का नाम क्या है, मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट, या SI मॉडल भी बोला जाता है, मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट और SI मॉडल और थ्री डायमेंशनल मॉडल। तो इनकी थ्योरी के तीन नाम है, गिलफोर्ड की थ्योरी के तीन नाम है। पहला नाम है मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट किसने दिया,
गिलफोर्ड ने दिया है और ये प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी के अंदर आता है। देन है आपका इसको ही एसआई मॉडल भी बोला जाता है और थ्री डायमेंशनल मॉडल भी बोला जाता है। तो इसकी इस थ्योरी के यानी गिलफोर्ड की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के तीन नाम है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। देन है स्टर्नबर्ग ट्रायार्किक थ्योरी, यानी ट्रायार्किक थ्योरी जो है वो किसने दी है, किसकी है, स्टर्नबर्ग की है और ये भी किसके अंदर आते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी के अंदर आते हैं। देन आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी भी आपकी स्टर्नबर्ग ने ही दी है और जो आपकी ट्रायार्किक थ्योरी है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी पे ही बेस्ड है। तो ये दोनों थ्योरीज अलग अलग हैं और आपको इनको अलग अलग ही याद रखनी है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी किसने दी है, स्टर्नबर्ग ने दी है और ट्रायार्किक थ्योरी भी किसने दी है, स्टर्नबर्ग ने दी है। देन आप में जैसे कि ब्रूनर हो गए या जीन प्याजे हो गए, तो ब्रूनर और जीन प्याजे प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज के अंदर ही आते हैं, इसलिए जीन प्याजे ने कोई भी इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं दी है। तो इनकी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसीलिए इनको यहाँ पे प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी के अंदर रख दिया गया है। देन है आपका ब्रूनर भी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली ये जो है आगे जब हम लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे तो लर्निंग थ्योरीज में भी हम बिहेवियरिस्ट और कॉग्निसिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी बिहेवियरिस्ट थ्योरीज किसने दी है और कॉग्निशन पे बेस्ड थ्योरीज किसने दी है, तो वहां पे भी क्लासिफिकेशन हम जानेंगे। तो जो आपके ब्रूनर और जीन प्याजे हैं वो कॉग्निटिविस्ट के अंदर आते हैं और प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में भी हम कॉग्निशन एंड कॉग्निशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए इंटेलिजेंस में इन दोनों लोगों के नाम भी आ गए। तो ब्रूनर और जीन प्याजे किसके अंदर आएंगे, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से ये दो नाम यहाँ पे आ गए, इनकी थ्योरीज के बारे में हम आगे बात करेंगे। देन है आपका पास मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट इंटेलिजेंस, तो जो पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है ये जेपी दास ने दिया है। देन आपका जेनसन जॉल पास्कल और लियोन, ये जेनसन अलग है ना, थॉमस जेनसन नाम है इनका, थॉमस जेनसन जॉन पास्कल लियोन, ये भी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज के अंदर ही आते हैं। तो बेसिकली आपके लिए जो ये जो लास्ट में ये दो लिखे हुए हैं, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो कि जेपी दास ने दिया है, जेनसन जॉन पास्कल एंड लियोन, ये नाम है इनकी। बेसिकली इंटेलिजेंस की थ्योरी हमें नहीं पढ़नी क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये दो थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम इसके अंदर आते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्लासिफिकेशन इजिली समझ में आए होंगे, अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। बेसिकली आपको याद रखना है इसमें कि फैक्टर थ्योरीज के अंदर कौन कौन से नाम आएंगे या कौन कौन से थ्योरीज आएंगी और प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज के अंदर कौन कौन से नाम और कौन कौन से थ्योरीज आएंगी, तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको थ्योरीज पढ़ाऊंगी। तो बेसिकली वन फैक्टर थ्योरी जो कि बीने ने दी है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ये बताया कि बुद्धि एक कारक से बनती है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी। तो थैंक यू सो मच, अगर जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।